नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में अनलॉक का पांचवा चरण, आज से खुल जाएंगे फिटनेस सेंटर और बैंक्वेट हॉल। शादी समारोह में 50 लोगों को इजाजत। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट की चपेट में आने वाले महज एक शख्स ने लगवाई है वैक्सीन की पहली डोज। 21 हुए हैं संक्रमित। सरकार से तनातनी के बीच ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने दिया इस्तीफा। हाल ही में हुई थी नियुक्ति। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत, देर रात घर में घुसकर एसपीओ और उनकी पत्नी की हत्या। बिहार में 24 घंटे में मिले 185 नए मामले, कई जिलों में तो एक भी संक्रमित नहीं। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। कोरोना के कम होते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 5 लागू होगा। आदेश के मुताबिक आज से दिल्ली में जिम और योग स्थानों को 50% की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की भी इजाजत मिल चुकी है। इन सभी स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा, साथ ही नियम उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और इमारत को सील भी किया जा सकता है। हालांकि घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह अधिकतम 20 लोगों के एक साथ शादी समारोह आयोजित करने की ही इजाजत होगी। चल रहा था जिसमें कुछ पाबंदियों के साथ रियायतें दी गई थी, वहीं आज से अनलॉक 5 की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद आज से जिम और बैंक्वेट हॉल्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है। फिलहाल सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी नियम उल्लंघन करता पाया गया तो कार्यवाही के तौर पर इमारत को सील भी किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने बेहद कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने आधी रात को जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में फयाज अहमद शहीद हो गए, वहीं उनकी पत्नी और बेटी की भी जान चली गई। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने रात में एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में फयाज अहमद के सर में गोली लगी और वे मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि उनकी बेटी और पत्नी की हालत गंभीर थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पहले पत्नी और फिर बेटी ने भी दम तोड़ दिया। तो जम्मू कश्मीर में ये कायराना हरकत देखने को मिली है। आपको बता दें कि जहां पर आतंकियों ने एसपीओ के घर पर घुसकर उनको गोली मार दी, जिसमें एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनीष, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये कायराना हरकत देखने को मिली है, जहां एसपीओ के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, आपको अनुष्का बता दूं कि लगातार 24 घंटे के अंदर ही दूसरी बड़ी वारदात है जम्मू कश्मीर में। जिस हिसाब से खबर जो बताई जा रही है कि एसपीओ के घर में घुस के ये वारदात दी गई है, आधी रात के करीब 1 से 1.5 बजे के बीच का समय बताया जा रहा है कि जब एसपीओ फयाज के घर में कुछ अज्ञात हमलावर घुसते हैं और ताबड़तोड़ गोले चलाते हैं, जिसमें उनकी बेटी और पत्नी की तत्काल मृत्यु हो जाती है और फयाज अभी उसमें काफी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। आपको बता दूं कि इससे अभी 24 घंटे पहले ही जम्मू में हमने देखा था कि जैसे ड्रोन से एयरपोर्ट स्टेशन में आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश की थी। उसके पहले जब मुझे कहता था जो बकर जो इंस्पेक्टर थे क्राइम के, उनकी भी गोली मार के हत्या कर दी थी। तो ये सब बातें एक बार फिर से आतंकवाद को पैर पसारने की कोशिश की जा रही है, जब से देखा गया था कि
14 सर्वदलीय बैठक की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बाद से एकदम से तेजी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद से जो अंकुश लगा हुआ था, जो एकदम से रुका हुआ था, सीमा पार से एक बार फिर से ऐसी नाकाम हरकतें शुरू कर दी गई हैं, जिससे कि जो बातचीत का दौर है इसमें खलल पड़े और आतंकवादी की प्रतिक्रिया बढ़ती रहे। और लगातार केंद्र सरकार इस पर नजर बनाई हुई है, सुरक्षा एजेंसियां एकदम इस पर नजर बनाई हुई हैं, और ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर नजर बनाई गई है। जनुष्का, देखा गया है जम्मू कश्मीर का अवंतीपुरा वैसे भी संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, ऐसे में एसपीओ के घर में अज्ञात लोगों का घुसना जिसके बाद परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देना कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी गहरे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि न केवल अवंतीपुरा, जम्मू कश्मीर का पूरा खुद हर एक जगह जो है वो संवेदनशील मानी जाती है। हर चाहे आप अवंतीपुर की बात कर लें, चाहे आप जम्मू की बात कर लें, चाहे आप कश्मीर की बात कर लें, हर एक चीज हर एक जगह वहाँ संवेदनशील मानी जाती है। और लगातार ऐसी घटनाएं बीच में एकदम से रुक गई थी, पर देखा गया है कि जब से ये बैठक का दौर, बातचीत का दौर शुरू हुआ है, एक बार फिर से वहाँ पे आतंकवादी गतियां बढ़ गई हैं, जो कि सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि ऐसी घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन लगातार दो दिन में दो घटनाएं होती हैं, और करीब अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो दो जवान, एक हमारा जवान शहीद होता है, और आज हमने देखा कि किस तरीके से एक हमारा जवान घायल है, उसकी बेटी और पत्नी की हत्या की। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पे सवाल जरूर उठते हैं, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको इसके लिए लगातार केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियां उसकी नजर बनाई गई। बिल्कुल, धन्यवाद मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर अवंतीपुरा में एसपीओ के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसके बाद इस हमले में एसपीओ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण से देश में होने वाली मौतों का ग्राफ लगातार अब नीचे गिर रहा है। रविवार को खत्म हुए सप्ताह में कोरोना से होने वाली मौतों में 38% की गिरावट दर्ज की गई है। इस हफ्ते करीब 61 दिनों बाद रोजाना होने वाली मौतों का 7 डेज रोलिंग एवरेज गिरकर 1000 से नीचे आ गया है। रविवार को देश में कोरोना संक्रमण से 689 लोगों की मौत हो गई, जो करीब 81 दिनों में सबसे कम संख्या है। इससे पहले 7 अप्रैल को 685 मौतें दर्ज की गई थी। 12 अप्रैल के बाद रविवार 27 जून को पहली बार कोरोना संक्रमण से रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा 1000 से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि उसमें महाराष्ट्र की रिपोर्ट की गई 262 बैकलॉग मौतों को भी जोड़ा गया था। पिछले सप्ताह यानी 14 से 20 जून तक कोरोना से होने वाली मौतों में 45% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो महामारी की शुरुआत से अब तक की सबसे ज्यादा साप्ताहिक गिरावट है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड मनीष हमारे साथ बने हुए। तो मनीष, एक तरफ से राहत भरी खबर इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां मौतों के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते दिन की बात करें तो 38% की गिरावट दर्ज की गई है, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? 38% गिरावट दर्ज की गई है दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण से देश में होने वाली मौतों का ग्राफ लगातार, अगर हम बात करें पिछले अप्रैल मई जून की बात करेंगे तो लगातार नीचे देखा जा रहा है। रविवार को आगे कोरोना से मौतों में देखा जाए तो 38% गिरावट देखी गई है। इसी हफ्ते करीब 61 दिनों का रोजाना होने वाली मौतों में 7 डेज रोलिंग एवरेज गिराकर 100 से 1000 से नीचे आ गया है। आपको बता दें कि करीब 27 जून के बाद से देखा, 27 जून के बाद देखा जाता है कि लगातार 1000 मौतों का जो आंकड़ा था, पहली बार अब है कि जब 1000 से कम का मौत का आंकड़ा है। तो ये राहत बड़ी खबर जरूर है, पर अभी क्योंकि जहां हम देख रहे थे कि दूसरा जो डेल्टा वेरियंट है वो भी धीरे धीरे सॉफ्ट होता रहा है, तो लगातार इस पर भी नजर बनाए हुए है केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसको बनाए हुए है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एडवाइजरी भी दे दी है कि इस पर भी अपनी तरफ से नजर बनाए रहे, क्योंकि जो डेल्टा वेरियंट है उसमें भी वो उससे भी करीब 40 से 45 केस देखने को मिले हैं, और जिसको बताया जाए कि संक्रमण बहुत ज्यादा हो सकता है। हालांकि आपको अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो अभी आपको कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे थे, जहां अब देश में मौतों के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मौतों के आंकड़े में 38% की गिरावट एक साथ दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में देश के लिए राहत की खबर है। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक के मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने अहम बैठक की। इस बैठक में उनके साथ प्रधान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निगरानी समिति के लोग मौजूद रहे। सांसद मोहनलालगंज कौशल किशोर ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए निगरानी समिति को कोरोना किट बांटी, साथ ही आदेश दिए कि तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ सांसद ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें और बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। कार्यक्रम ये गोसाईगंज ब्लॉक और सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो निगरानी समिति है जिसमें ब्लॉक के लोग शामिल हैं और आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, संगिनी हैं, ये सब लोग शामिल हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि जो तीसरी लहर आएगी कोरोना की, बच्चों पर ज़्यादा घातक होगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अयोध्या पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक ही गुरु मंत्र है कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो उन्हें आसानी से सत्ता से बाहर किया जा सकता है। शिवपाल यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर कहा कि पूरे देश की जनता ने चंदा दिया है, इसलिए निधि समर्पण की एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। इसकी जाँच किसी निष्पक्ष संस्था द्वारा कराई जाए। आगे जमीन विवाद मामले पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, 6 महीने बाद चुनाव है तो सरगर्मियां तेज होनी ही हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2 साल पहले गैर भाजपावाद का एक नारा दिया था और सभी पार्टी इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अगर प्रयास करें तो आसानी से उन्हें सत्ता से बाहर किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर अभी तो हम आश्रम में आए थे, भंडारा था और फिर यहाँ महाराज जी बैठे हैं, परशुराम दास जी उनसे भी आ गए आश्रम में, आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं फिर 2022 की तैयारी। कुशीनगर के चंद्रपुर गांव में बंजर जमीन में बने आशियाने को उजाड़ने का आरोप प्रधान और लेखपाल पर लग रहा है। इस मामले में ग्रामीणों ने लेखपाल और प्रधान के खिलाफ हंगामा करते हुए कप्तानगंज मार्ग को जाम कर दिया। पीड़ित पक्ष की मदद के लिए सपा के पूर्व विधायक भी उनका साथ देने के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। देखिए, मामला ये है कि गांव में 80% लोग बंजर या डी की जमीन में बसे हैं। और क्या नाम उसका हो? वो अभी जो है कई पुश्तों से बंजर की जमीन में बसा हुआ है, और दीपक कुशवाहा बंजर की जमीन में बसा हुआ है, और गांव की 75% लोग बंजर डी या नवीन परसी में बसे हैं। तो मामला ये है, उसको कष्ट है, यहाँ पुलिस के लोग आए हैं, वो जा कर के देख रहे हैं लोग। अगर ये मामला जौनपुर के अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पप्पू माली ने निर्दल प्रत्याशी नीलम सिंह का विरोध करते हुए उनके ऊपर गंभीर रूप से आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय महासचिव पप्पू माली ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी नीलम सिंह को बीजेपी समर्थन दे रही है, लेकिन नामांकन के दौरान उनके साथ भाजपा के विधायक और कोई भी मंत्री मौके पर मौजूद नहीं रहे, इसलिए अपना दल के लोग गठबंधन पर गंभीर रूप से सवाल उठा रहे हैं। तो आप भी सुनिए कि अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव ने क्या कुछ कहा। जी, कल 10:30 बजे रात जिला पंचायत सदस्य कमालुद्दीन के यहाँ गए हैं और उनको हड़का रहे थे कि आप नीलम सिंह को वोट दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर फर्जी कार्रवाई की जाए। कि किसके दबाव में राजेश यादव ऐसा कर रहे हैं? अब वहाँ अभी राय हम तो एसपी साहब से मांग करें, किसके दबाव को कर रहे हैं ऐसा? हम एसपी साहब से अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे थाना अध्यक्ष के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई, इसकी जाँच का विषय है, जाँच कराएं। कई जिला पंचायत सदस्य है वहाँ पे और भी लोगों पर दबाव डाला है। अभी जो हमारे संज्ञान में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किस दल से जीते हैं, निर्दल जीते हैं, किसी दल से जीते हैं? धर्मांतरण मामले में यूपी की कार्यवाही लगातार जारी है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में भी धर्म परिवर्तन का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। फरीदापुर गांव की रहने वाली
रेनू गंगवार दिल्ली एयरपोर्ट पर एविएशन डिपार्टमेंट में नौकरी करती है। रेनू ने बताया कि दुबई एयरपोर्ट पर उसे मोटी सैलरी पर नौकरी मिल सकती है, लेकिन दुबई में मुस्लिम महिलाओं को ही वरीयता दी जाती है। मोटी सैलरी हासिल करने के लिए रेनू ने दिल्ली में एक मौलवी से मिलकर अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया। रेनू का नाम अब आयशा अलबी रखा गया है। हालांकि जब रेनू ने मुस्लिम धर्म अपनाया है तो उनके परिवार वालों ने कड़ा विरोध किया, लेकिन युवती का कहना है कि उसने सैलरी में तरक्की हासिल करने के लिए दुबई में नौकरी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तित किया है। हमीरपुर में भाजपा और निषाद पार्टी के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल निषाद पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पर प्रशासन ने कार्यवाही की है और प्रशासन की इस कार्यवाही पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार ने सत्ता पक्ष की शय में आकर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा प्रशासन ने दो मोरंग से भरी गाड़ियों को भी कार्यवाही की है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निषाद पार्टी के उम्मीदवार ने कल ही पर्चा दाखिल किया था, जिसके बाद से उनके खिलाफ प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। पद का निषाद पार्टी से प्रत्याशी हूं। पर्चा भरने के बाद से हमीरपुर का जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में आकर मेरे ऊपर द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई कर रहा है। वह मुझे दबाव में लेने का प्रयास कर रहा है। व्यवसायिक तौर पर मैं खनन व्यवसायी हूं। शासन द्वारा स्वीकृत पट्टे में मैं नियमित कार्य करता हूं। फिर भी प्रशासन द्वारा मेरे व्यवसाय पर द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई की जा रही है। मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूं। भारत का नागरिक होने के नाते लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर मेरे चुनाव लड़ने में डाली जा रही बाधाओं को संज्ञान में लेकर प्रशासन को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रशासन द्वारा सत्ता पार्टी के उम्मीदवार की मदद करना लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी निष्पक्ष। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज विकास खंड में अमेठी कस्बे में आवारा कुत्तों के हमलों से लोगों में दहशत का माहौल है। अब तक कई घुमंतू और पालतू जानवरों को ये कुत्ते अपना निवाला बना चुके हैं और कई इंसानों के ऊपर भी उन्होंने हमला किया है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि दिन में आदमखोर कुत्ते जंगल की तरफ भाग जाते हैं और देर रात झुंड बनाकर घरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब तक पीड़ितों की मदद के लिए उन्हें किसी प्रकार से नहीं मिल पाई है। क्षेत्रीय पार्षद ने अधिकारियों को मामले से अवगत भी कराया है, पर अब तक इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। मामला ये है कि आवारा कुत्तों का आतंक जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका है हमारे यहाँ अमेठी में। ये घटनाएं लगभग 10-15 दिनों से हो रही हैं। इनकी सूचना मुझे जो है कल जब मेरी ये घटना मेरे घर मेरे साथ हुई तब मुझे पता चला। फिर मेरे घर के सामने एक घटना आज हुई जिसमें जो है आवारा कुत्तों ने कुछ जानवरों को मार दिया। फिर लोगों से बात हुई, अपने वार्ड के लोगों से बात हुई, तब मुझे इस संबंध में बताया गया कि 10-15 दिनों से ये घटनाएँ हो रही हैं और ये कुत्ते अब आदमखोर बन चुके। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में गैस के गोदाम में चोरी करने वाले शातिर चोर को लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए चोर को लोगों ने पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस को चोरी के बारे में जानकारी दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को फौरन हिरासत में ले लिया। वहीं चोर के पास से एटीएम कार्ड और कुछ सामान भी बरामद किया गया है। तो कानपुर में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस चोर को लोगों ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की गई। वहीं मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर पुलिस लगातार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर उनकी संपत्तियों को कुर्क कर रही है, लेकिन बदमाशों के हौसले हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। बता दें कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला रवि नगर मेन रोड पर सुबह के वक्त ड्यूटी से लौट रहे एक रेलवे कर्मचारी के साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए आरोपी पर्स व चेन लूट कर ले गए। वहीं लूट की ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक बाइक से कोई सवार आ रहा था, उसके साथ उसके चेन छीनने की घटना जानकारी में आई है। थाना सदर बाजार पुलिस को बताया गया है कि वहाँ पे जो आसपास सीसी कैमरे लगे हों उसकी पड़ताल कर लें और उससे गहराई से छानबीन करके इसमें पता करें कि किसके द्वारा ये घटना की गई है और इसमें
सहारनपुर में पुलिस चातर अपराधी और गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। गैंगस्टर के दो साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जिनके कब्जे से अवैध असलाह और बाइक को बरामद किया गया है। बता दें कि पकड़े गए इनामी गैंगस्टर के ऊपर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। थाना पुलिस ने एक गुडवर किया है, इसमें तीन साथी किस्म के अपराधी पकड़े गए हैं और इन तीनों में एक काफ़ी दिन से वांछित चल रहा था और गैंगस्टर का अभियुक्त है, वो गैंगस्टर एक्ट का, उस पर 15,000 का इनाम भी था। तो एक इसमें से एक इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है, दो अन्य हुए हैं। इनके पास से तमंचे कारतूस मिले हैं, इसके अलावा इनके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिनके बारे में पता किया जा रहा है कि कहां से इन्होंने चुराया है। पूछताछ पे कुछ जानकारी इन्होंने दिया है, उसी के आधार पे आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। इस प्रकार चिलकान। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।